दोस्तों कैसे आप सभी, एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके विजय तपेश क्लास में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया था कि जिसमें हमने सिस एंड ट्रांस के बारे में भी हमने बात किया था जो की बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। एंड आज जो हम लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो एप्लीकेशन की डाइपोल मोमेंट ही रहेगा पर लेकिन इसमें हम जो बात करेंगे वो करेंगे होमोन्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होता है एंड हेटरोन्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना होता है, ऐसे ही हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको समझने से पहले सबसे पहले जो वेक्टर लॉ होते हैं उनको बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा जो डायपोल मोमेंट होता है, क्या कह रहे हैं, जो डायपोल मोमेंट वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता होगा यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल लगते हैं, तो इधर रिजल्टेंट इधर आता है, तो कैसे आता है पहले इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको समझने का एक बेस्ट सा एग्जांपल समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक पेपर है, क्या है, इसे कंसीडर करिए, ये एक पेपर है और मैंने यहाँ पे दो बेल्ट को लगाया गया है जो कि यहाँ पे रोटेट कर सकती है, देखिएगा, और यहाँ पे इनको मैंने एक रस्सी के थ्रू बांध दिया है, एक रस्सी के थ्रू यहाँ पे बांध दिया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ वेट लटकाया हुआ है, ये आप कोई ईंट कंसीडर कर सकते हो, इसको मैंने इससे बांध दिया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, यदि मैं इस रस्सी को खींचूं तो ये जो वेट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको खींचूं तो ये वाला वेट इधर की साइड आ जाएगा, पर लेकिन मैं क्या करूं कि दोनों रस्सी को एक साथ खींचूं तो वेट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो हो क्या रहा है कि देखो एक साइड से ये, एक साइड से, मतलब एक साइड से मैं इधर की फोर्स लगा रहा हूँ और एक इधर की फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों जो फोर्स लगा रहा हूँ इक्वल लगा रहा हूँ, एक इधर लगा रहा हूँ एक इधर लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, तो इसका डायपोल में टोटल जो आंसर आएगा, इसका टोटल आएगा वो एकदम बीच में आएगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं इधर फोर्स लगे और इधर ही फोर्स लगे, दोनों इक्वल लगे, तो रिजल्टेंट जो आता है वो एकदम बीच में आता है, यहाँ पे 45, यहाँ पे जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, लेकिन जो बीच में जो आता है वो यहाँ पे 45 डिग्री पे काटता है। तो इसे मैं पी दे सकता हूँ, क्यू दे सकता हूँ, यहाँ पे आर होगा, समझ में आया होगा ये वेक्टर का लो। तो इसी के थ्रू यदि मैं आपसे पूछू, देखिएगा, यदि थोड़ा सा फोर्स इधर लग रहा है, थोड़ा इधर लग रहा है और थोड़ा सा फोर्स इधर, इतना ही इधर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को, थोड़ा फोर्स इधर लग रहा है और जितना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर इसका जीरो आएगा। तो ऐसे ही ये जो फिनोमिना, ये जो लो है वेक्टर के, ये यहाँ पे लगेंगे, तो इसको मिटाते हैं, होमोन्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में डायपोल मोमेंट पता करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन थे मुझे बचपन से सताते थे कि इधर हम, जैसे देखिएगा कि हम इधर, हमारे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट बीच में क्यों आ रहा है, तो इसका आंसर, इसका जो जवाब होता है मुझे अब जाके क्लियर हुआ है कि इसका रिजल्टेंट बीच में क्यों आता है, जब जब जैसे जैसे फिजिक्स अच्छी होती गई, जैसे जैसे पता पड़ता गया कि इसका आंसर कैसे आता है। जैसे देखिएगा, इधर फोर्स लगा रहा हूँ मैं और इतना ही फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो रिजल्टेंट जो आता है वो बीच में आता है, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल से समझाया था। तो अब चलते हैं हम अपने होमोन्यूक्लियर डायएटोमिक की तरफ, कि होमोन्यूक्लियर डायएटोमिक का जो मॉलिक जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल की तरफ चलता हूं। होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, न्यूक्लियर मतलब जिसके न्यूक्लियर कैसे होंगे सेम, और डायएटोम का मतलब वहां पे दो एटम होंगे, जैसे N2 और H2 और O2, आप Cl2 आप देख सकते हो। अब देखिएगा कि यहाँ पे N2 है, N2 का मतलब है दो N है, मतलब कि डाया हो गया, एटॉमिक मतलब दो एटम हो गए, किसके, नाइट्रोजन के दो एटम है और होमोमर यानी कि सेम है, मतलब N2, तो ये एग्जांपल है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, N2 थोड़ा बना के दिखाते हैं, यहाँ पे N(N) होगा। अब समझिएगा, ये वाला N चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनों को खींचू यहाँ पे पार्शियली, ऐसे करके ये इधर खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, तो ये जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एन की है, तो जितना ही वो एक उधर खींच रहा है उतना ही ये वाला इधर खींच रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उसका म्यू इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं होमोन्यूक्लियर जो डायएटोमिक होते हैं उनका
हमेशा जो डायपोल मोमेंट आता है वो हमेशा ऑलवेज हमेशा जीरो आएगा, पर लेकिन हेटरोन्यूक्लियर का डायपोल, जो हेटरोन्यूक्लियर डायटॉमिक होते हैं उनका डायपोल मोमेंट कितना होता है थोड़ा समझते हैं कि पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हेटरोन्यूक्लियर यानी कि अलग-अलग मॉलिक्यूल अलग-अलग एटम होंगे, यानी कि आप देख सकते हो HCl HF और HCl HBr लिख सकते हो, HI लिख सकते हो। तो इनका डायपोल मोमेंट के बारे में बात की जाए तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब HCl आप बनाओगे तो H कहीं ऐसे बनाओगे और Cl कहीं ऐसे बनाओगे, अब HF बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, HBr बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, HI बनाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बनाओगे। अब हमको पता है कि Cl की हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो Cl इधर की साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर पार्शियली नेगेटिव आएगा पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही इधर की साइड जाएगा इधर पार्शियली नेगेटिव इधर पार्शियली पॉजिटिव, तो ऐसे ही इधर की साइड ज्यादा जाएगा। पर लेकिन अब इधर देखिएगा कि हेटरोन्यूक्लियर का हेटरोन्यूक्लियर डायटॉमिक का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्यों? क्योंकि जितना डायपोल मोमेंट किस-किस बातों पर डिपेंड करता है मैं आपको बता दूं, या तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी उसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ-साथ इसकी मान लीजिए कि Cl की और F की में हमें पता है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बट इसके साथ-साथ यहां पे जो बॉन्ड होगा बॉन्ड की डिस्टेंस वो जितनी कम होगी, बॉन्ड की डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। तो आपके समझ में आया होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब हम चलते हैं ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट की तरफ। अब इन मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर फर्स्ट इधर दिए गए हैं एंड सेकंड इधर दिए गए हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि CO2 आप देखिएगा CO2 के डायपोल मोमेंट 0 होता है, कैसे होता है आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं। अब देखिएगा CO2 की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, CO2 की स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बनती है CO2। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि मैं आपको यदि आप इस वाले को नेगलिज करो, इस वाले को यहां से हटा दो, तब C और O में देखा जाए तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर की साइड इधर जाएगा वेक्टर और इधर पार्शियली नेगेटिव आएगा इधर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। पर लेकिन अब यदि इस वाले को नेगलिज करूं और C और O को देखूं, O इधर की साइड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इधर पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा पार्शियली नेगेटिव आएगा। अब यदि देखा जाए तो जो C और O का जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 2.3 डिवाइड, अब इस वाले का भी कितना होगा 2.3 डिवाइड। अब मैं पूछूं कि इसका टोटल जो टोटल डायपोल मोमेंट होगा CO2 का, तो टोटल डायपोल मोमेंट जो होगा तो वो आप कहोगे टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो जाए, इसको इसको और इसको ऐड किया जाए तो आता है 4.6 डिवाइड, पर लेकिन इतना हो सकता था पर लेकिन इतना होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे वेक्टर रूल लगता है, वेक्टर रूल क्या कहता है कि सेम फोर्स यदि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जैसे कि सेम फोर्स इन दोनों का सेम फोर्स मानिए ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है तो एक दूसरे को सेम है पर डायरेक्ट अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए इसका म्यू इक्वल टू 0 आएगा। किसका? इनकी शेप कैसी है? लीनियर। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, जैसे मान लीजिए इधर ए लिखा है और ये बी के थ्रू बॉन्डेड है, फिर ए के थ्रू, अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये इधर की साइड पुश करेगा ये इधर की साइड पुश करेगा, यहां पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण वो इधर खींच रहा है वो इधर खींच रहा है सेम है पर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो इन सभी का डायपोल मोमेंट 0 आता है, पर लेकिन अभी देखा जाए CO2 का तो डायपोल मोमेंट 0 है पर लेकिन H2 का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो यहां पे जो गेम जो प्ले करने वाला जो टॉपिक आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे जो शुरुआत होती है यही से होती है हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत, जो मैं बताता है कि CO2 की स्ट्रक्चर तो लीनियर होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, पर लेकिन H2 की स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होती इसलिए डायपोल मोमेंट इसका कुछ ना कुछ होता है 1.84 डिवाइड होता है। अभी हम इनको समझते हैं, अब देखिएगा यहां पे जो टॉपिक आता है आपका जो वो टॉपिक क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन यहां पे जो टॉपिक निकल जाता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो मैं बताता है ज्योमेट्री के बारे में कि H2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब H2O की स्ट्रक्चर को थोड़ा देखिए, O यहां पे होता है यहां पे H यहां पे कुछ इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं,
अब यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, ये रहे लोन पेयर और ये रहे लोन पेयर O के पास। अब O OF2 को देखिएगा, O ऐसे करके जुड़ा होता है, यहाँ पे OF ऐसे करके जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे भी दो लोन पेयर होते हैं, ये रहे लोन पेयर। अब इसको इन दोनों में थोड़ा कंपेरिजन करेंगे, हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि हमें पता है कि O और H में, यदि O और H को देखें तो O की यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इधर की साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा। अब ये इधर की साइड खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा। अब टोटल जो टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा, अब देखिएगा दो, एक इधर डाइपोल, एक इधर लग रहा है, किसके हिसाब से, ये लग रहा है लोन पेयर, एक ये वाला लोन पेयर, एक ये वाला लोन पेयर। तो मैंने वेक्टर के हिसाब से आपको बताया था टोटल जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इसका डाइपोल मोमेंट एकदम सीधा आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे करके आएगा। इसका मतलब टोटल डायपोल मूवमेंट इसका एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। उसका डायपोल मूवमेंट म्यू इक्वल टू होता है 1.84 डिवाइड, मैंने आपको बताया था। एंड अब चलते हैं हम OF2 की तरफ, कि OF2 का डायपोल मूवमेंट मैं आपको बता दूं, OF2 का डायपोल मूवमेंट होता है म्यू इक्वल टू 0.3 डिवाइड। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका डायपोल मोमेंट 1.84 डिवाइड होता है जबकि 0.3 डिवाइड, इसका बहुत कम होता है जबकि इसका बहुत ज्यादा होता है, क्यों? तो इसका आंसर थोड़ा समझते हैं कि O और F में यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत होता है, तो यहाँ पे हमें पता है कि F और O में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा। तो पहले जो डायरेक्शन जो वेक्टर था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, अब यहाँ पे कुछ नीचे जा रहा है। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन ये जो दो लोन पे लगे, इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट जाएगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन इन दो का थोड़ा नीचे जाएगा। मतलब कुछ डायपोल मोमेंट तो ऊपर जा रहा है और कुछ डायपोल मोमेंट नीचे जा रहा है, पर लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जी का थोड़ा डिफरेंस होने के कारण इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है। ये इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी सेम ना होने के कारण, यदि एनर्जी सेम होती तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता, पर लेकिन लोन पेयर की जो एनर्जी थी दोनों की और इंडो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंस होने के कारण इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, जो कि 0.3 डिवाइड। लेकिन इसका डायपोल मोमेंट टोटल वेक्टर बिल्कुल ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है OF2 दे, आपके समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिखा है वो लिखा है NF3। तो NF3 की थोड़ी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे बनती है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, यहाँ पे F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F, और इस पर एक लोन पेयर होता है वो कुछ ना कुछ ऐसे होता है। अब इसका डायपोल मोमेंट के इसके दिशा लगाई जाए तो देखिएगा, यहाँ पे N और F में हमें पता है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है N से, तो यहाँ पे ये इधर खींचेगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आएगा, ये इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, ये वाला भी इधर खींचेगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और टोटल जो डायपोल मोमेंट इन तीनों का आ रहा है वो नीचे आ रहा है, पर लेकिन इस वाले लोन पेयर का, नाइट्रेट की जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल डायपोल मोमेंट इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होने के कारण इन लोन पेयर का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, और ए जो एफ लगे हैं तीन, तो टोटल डायपोल मोमेंट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ डायपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है, कुछ डायपोल मोमेंट नीचे आ रहा है। तो ऐसे कुछ मानिएगा, जैसे यदि मान लीजिए किसी बॉडी पर दो तरीके के फोर्स लगते हैं, ऊपर लग रहा है 2 न्यूटन का, नीचे लग रहा है 5 न्यूटन का, तो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो टोटल जिसे कैलकुलेशन किया जाए 3 न्यूटन का आएगा, क्योंकि 5 - 2 = 3। तो ऐसे ही इनके एनर्जी डिफरेंस होने के कारण, ये ऐसा नहीं है कि इसकी भी एनर्जी सेम है, नीचे वाले की एनर्जी सेम है, तो सेम होती तो कैंसिल आउट कर देते, पर लेकिन सेम ना होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बचता है। तो इसलिए जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल लिखे उनका म्यू नॉट इक्वल टू 0, इनका म्यू 0 नहीं होता, तो हम कह सकते हैं NF3 NH3 PH3। अब इन वाले का देखिए BF3, तो BF3 की कुछ स्ट्रक्चर को बनाइएगा, BF3 की कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होती है। अब देखिएगा ये बी, इधर एफ है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, तो BF3 में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है बी से, तो इधर जाएगा, इधर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव, ऐसे ही इधर आएगा, इधर पार्शियली पॉजिटिव आएगा, पार्शियली नेगेटिव। अब इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर टोटल जो आएगा वो एक डायरेक्शन में आएगा। अब एक डायरेक्शन में फ्लोरीन लग रहा है,
तो इधर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो टोटल लाइकोमेंट उसका उधर लग रहा है और टोटल लाइकोमेंट इसका इधर लग रहा है, तो टोटल लाइकोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लीजिए, ऐसे इसका म्यू इक्वल टू 0 होगा, तो इसका म्यू इक्वल टू 0, ऊपर वाले का म्यू नॉट इक्वल टू 0 पे लेकिन इसका 0 होता है। अब चलते हैं पेंटाएटॉमिक पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइकोमेंट की तरफ। अब इधर देखिए CCl4 CCl4 की स्ट्रक्चर कहीं टेट्राहेड्रल नहीं होती, आपको इनके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में पता हो तो, यहाँ पे सीएल होता है, यहाँ पे भी सीएल होता है, यहाँ पे भी सीएल और यहाँ पे भी सीएल, तो इसका डाइकोमेंट सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इधर भी ऐसे ही कुछ निशान लगाए जाए पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, ये ऊपर की साइड जाएगा पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो टोटल जो डाइकोमेंट आता है सभी का, तो टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर सभी दिख रही है इनका डाइकोमेंट सॉरी पेंटागोनली डाइकोमेंट इनका 0 होता है, म्यू इक्वल टू 0, आपके समझ में आया। इसके बारे में तो आप मैंने पहले वीडियो में ही बताया था CH4 की बारे में, ये दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइकोमेंट कैसे होता है और 0 होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।